भगवान राम लला की प्रतिमा की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुरहानपुर जिले में भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं बुरहानपुर जिले में 19 जनवरी को शहर में शोभा यात्रा निकालकर ताप्ती नदी के जल से भगवान श्री राम का अभिषेक होगा। 22 जनवरी को ताप्ती नदी के तट पर 1.8 लाख दीप जलाकर उत्सव मनाया जाएगा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर श्री बहुजी महाराज मंदिर में सुश्री जी महाराज ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज हमें 500 वर्षों से अधिक की तपस्या, संघर्ष और अनेकों बलिदान के पश्चात भगवान श्री रामलला के नवनिर्मित विशाल भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यह प्रत्येक भारतीयों के लिए नवयुग का आरंभ है। बुरहानपुर से मैं विशेषकर यह आयोजन इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि भगवान श्री राम का हमारे शहर से ऐतिहासिक संबंध रहा है। पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने ताप्ती के पावन तट पर पिंडदान किया। भगवान राम के ब्रग्नपुर नगर के प्रवास के काल के अनेकों ऐतिहासिक मान बिंदु शहर के आसपास उपस्थित है। बुरहानपुर से गोपाल देव। लीला में सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं नगर के सभी धर्मनिष्ठ निवासियों का साथ ही यह परम कर्तव्य भी है कि त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के उस क्षेत्र की यात्रा के स्थान को अपना गौरव प्रदान करें। उसी अपेक्षा से, उसी भावना को लेकर मैंने कलश यात्रा सह शोभा यात्रा का एक आयोजन किया है।